दोस्तों नमस्कार, मैं नेहा अधिकारी स्वागत करती हूं आपका अपने नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूं सुबह 7 बजे से। तो आज कल हमारे यहां पे है बसंत पंचमी और अभी ये ताऊ जी भी यहां पे आए हुए हैं और मेरे से बोल रहे हैं पता नहीं कि क्या कर रही है, तो मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को। ये है हमारे कुसी ताऊ जी। तो इनको हमको इशारों में बताना पड़ता है। मैं जा रही हूँ छाना अपने जानवरों से मिलने और उनके लिए लेके आ रही हूँ मैं पानी। तो चलती हूँ छाना और सांसें फूल रही मेरी तो, आज थक गई हूँ मैं बहुत। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ छान और इस चीज़ को हिंदी में बोलते हैं छप्पर। और यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ गोबर अपने घर को, क्योंकि घर में आज कन्या लिपाई क्योंकि कल है बसंत पंचमी। और चलते हैं घर को, चलते हैं लेके जाते हैं गोबर, फिर करते हैं लिपाई। आपको वो दिखाती हूँ कि पहाड़ों में यहाँ पे कैसे लिपाई करते हैं। कुछ कुछ ब्लॉग में डाला था मैंने शायद, पर वो बाहर की लिपाई थी, आज हम लोगों ने अंदर की लिपाई करनी है। यहाँ पे मिट्टी से लिपाई की जाती है। तो चलते हैं घर को। इस हमारे छाना का सबसे छोटा मेंबर ये है मेरा घंटू। मेरा घंटू ये मानने भी सीख गया, उसको मारना भी आता है ना। तो ये है मेरा घंटू। मैं पहुंच गई हूँ अपनी ताई जी उनके वहाँ पे और अभी यहाँ पे भी साफ सफाई करनी है। कल है बसंत पंचमी त्योहार है, तो पहले यहाँ की खिड़कियाँ खोलती हूँ। फिर कल यहाँ पे जब पड़ता है पखो, यहाँ पे हम लोग पखो देते हैं और फिर यहाँ से जाती है कालिका मंदिर में हमारा। वहाँ पे भोग लगता है माता रानी को, तो वहाँ पे पुए बनते हैं और साई बनती है। कल आपको दिखाऊंगी मैं यहाँ पे जब पखो देते हैं। तो तब तक मैं यहाँ पे करती हूँ साफ सफाई और यहाँ पे करनी लिपाई घिसाई भी करनी है। तो चलते हैं और घर पे। फूफा जी और ताऊ जी की बातें चल रही है बहुत लंबी चौड़ी। क्या बातें कर रहे हो आप? लंबी चौड़ी क्या करनी, हम तो तेरे को देख रहे हैं कि तेरा क्या होगा। मेरा वही भेज रहे हैं, वही भेज रहे हैं उसको। अच्छा, मेंदर की माँ को भेजो भेजो। और आज का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, धूप आई हुई है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, पहले यहाँ पे हम लिपाई करने से पहले यहाँ पे धेय दुआ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धेय को लिखते हैं, उसके बाद अंदर को लिपाई करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और लिपाई की सही करते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं लेके आ गई सामग्री भी, ठीक है। यहाँ पे भी लिपाई की सही हो गई है। अब चलते हैं घर को वापस। मैं बहुत थक गई हूँ करते करते लिपाई की सही। आजकल मैं मोटी हो गई हूँ ना, बहुत थकान लग रही है। दोस्तों यहाँ का अभी काम करते करते मैं इतना थक जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बीच पे गई थी दिल्ली, तो वहाँ पे कुछ काम तो था नहीं। वहाँ बस बैठे रहो, खाओ पियो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और गांव में बहुत काम होता है, गांव में काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे काम करते करते इतनी थकान लग जा रही है, मेरी तो सांस भी फूल जा रही है। वहाँ जाके कुछ ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो वहाँ पे वेट लॉस करने का सही तरीका है, घर का काम करो, वेट लॉस होता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों के बनने लगी घुगते। उत्तरायणी और बसंत पंचमी के बीच में हम लोग घुगते बनाते हैं यहाँ पे। उसके बीच में कभी भी घुगते बना सकते हैं, उसके बाद घुगते बनना बंद हो जाता है। और ये बन रहे हैं हमारे लिए, वहाँ के लिए नाताजी। नाताजी वहाँ के लिए बने घुगते, अभी खजूरे बनेंगे और घुगते भी खाओगे, खजूरे खाओगे। ले कावा घुगते तो कह दिया, अब कहाँ से माला बनाए घुगतों का, ये थे नहीं था शुरू में माला बनाने समय। आप खाएंगे ऐसे ही खजूर और घुगते। अब इनके खाने के लिए बना रहे, ये जा रहे हैं अब बना रहे इनके लिए। फूफा जी की चल रही है वॉकिंग, आज घूमने नहीं जा रहे आप? घूमने नहीं जा रहे? जाएंगे, अभी आधा घूमे हैं, आधा और जाएंगे। अच्छा, तो मेरे फूफा जी भी आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करने लग गए हैं, धीरे 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 वीडियोस बना रहे हैं। कब अपलोड कर रहे हो फिर वीडियो अपनी? कुछ नहीं बना रहा, मैंने सब काट दिया। क्यों, क्या करना? ठीक है ठीक है, मत बनाओ आप। तो दगड़ी होती है आमल बना रहा बिल्कुल गदुआ जस गिज रिशभ लाल हरे और इतनी चला रहे आग। ओ आम ओ आम ओ आम, गजब बेइज्जती है तगड़ियो। तो आप ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अभी, 5 बजी बटी। तो मम्मी दिखानो तुमगी, मैं ताऊ जी इतनी आगतापुरी ने आगतापुर से के देखो चाची ताऊ जी मिगी इसी देखो रही जैसे चौकन नहीं नाल यो केजे बना रहे कने ने। अभी बताओ जी की दिखा, ये पता नहीं क्या क्या बन रहा। फूफा जी के लिए स्पेशल बना रही हूँ फिर, मेरे फूफा जी तो बनने ही हुए फिर। बताओ फिर आपके लिए बनाना है कुछ स्पेशल? मेरे को क्या पता भाई, मेरे को कौन देता है?
अरे बुड्ढे आदमी को कौन देता है भाई, हाँ सही बोल रहे हो आप, जो जान जान है उनको दो। क्या बोल रहे हो, सब रिकॉर्ड करू रही मी? तो यहाँ पे मेरे ताऊजी कुछ बता रहे हैं, बूढ़े आदमी को कौन देता है, सब जवानों को देते हैं ना ताऊजी। जानो से मतलब है बूढ़े आदमी का क्या है? तो दगड़ियों मैं ताई जी यहाँ के करू रहे हो है? ओ ताई जी है? के करू छा तुम? अरे ओ बूढ़ के पानी गुप्ता के लिए पानी बना रहा हूँ, सब्जी काट रही हूँ। अच्छा आप और तू सुना क्या कर रही है? पहाड़ी में बुलाओ पे जरा, पहाड़ी में पहाड़ी। अच्छा, हाय हम शाह काट रही होए और गुप्ता है पान रखो। अच्छा वीडियो में तुम्हारा आप पहाड़ी में बात कर लू, आप बटी में सोच रही पहाड़ी में बात करूँ आप ब्लॉग में। तो मैं ताई जी बना रहे आज घुगुत काटू रहे, तो मी भो तुमगी बसंत पंचमी छू, तो मी तुमगी सबगी आपण ताई जी उन्होंने मिलूल और यहाँ सब के करनी जेजेला करनी जेजेला हम करूल सब दिखूल तुमगी। जो काट भो क्यों है, जो काटनी है, जो काटनियर है, ओ जो पतेशनिया है, जो बामणनिया, जो पतेशनिया है, ओ भी पखो दिन है हम, फिर पखो दिन है। तो दगड़ियो तुम गिला दिखूल भो हम, तो हिटनु अपने तो मैं पर घर हूँ, किले की मिला पर खाला मिला बना है छी साग रखबे मेरी, तो जानू कह जलना जायू हिटनु पर आप साग रखबे।